वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी जिसपे कि हर रोज हम आपको आईपीओ से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए इस पर बातचीत करते हैं। और इस बातचीत में हमारे साथ हर रोज मेरे साथी शौर्य बिश्नोई जुड़ते हैं। शौर्य आज भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शौर्य, काफी कुछ एक्शन चल रहा है आईपीओ बाजार के अंदर, बताइए जो है क्या कुछ स्थिति ग्रे मार्केट प्रीमियम की देखने को मिल रही है, एक एक करके तमाम आईपीओ के बारे में चर्चा। जी, आईपीओ मार्केट ऐसा लग रहा है बुफे बन चुका है, बहुत सारे आईपीओ खुले हुए हैं मेन बोर्ड पे। एक आईपीओ कल बंद हुआ था उसके बारे में आपको बताएंगे, तीन आईपीओ खुले हुए हैं और एक नया मेन बोर्ड पे आईपीओ कल भी खुलने वाला है, तो उन सबके बारे में आज आपको जानकारी देते हैं। पहले शुरुआत करते हैं उस आईपीओ से जो कल बंद हुआ है, यानी अपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स। इसका आईपीओ अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, टोटल 62.91 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है और ग्रे मार्केट में कंपनी को अभी 41 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है और उसका प्राइस बैंड है 155 रुपीज का। और हमने आपको बताया था कि मैनेजमेंट से इसकी बात हुई थी और मतलब ब्रोकर्स के भी इसको लेकर जनरली बुलिश ही नजर आ रहे हैं। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ अरुण मंत्री जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पार्क होटल पे सर काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, आपकी क्या राय रहेगी, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून विपुल जी, देखिए लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी पार्क होटल में डेफिनेटली अप्लाई करने की सलाह रहेगी, लॉन्ग टर्म एवं लिस्टिंग दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो दूसरा खुला है जनक स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें भी अप्लाई करने की सलाह रहेगी, लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है ये बैंक काफी अच्छा करना चाहिए। तो दोनों ही आईपीओ जो पसंद है, एक तो पार्क होटल का है, जनक स्मॉल फाइनेंस बैंक, मुझे लग रहा है अगर किसी को भी लिस्टिंग गेन्स के लिए भी करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी करना है, ये दोनों अच्छे आईपीओ रह सकते हैं और इसमें मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा बना सकते। चलिए, तो जनरल स्मॉल फाइनेंस में भी खरीदारी की सलाह है, निवेश करने की सलाह, ये दो आईपीओ जो है अच्छे लग रहे हैं, बाकी आईपीओ से भी बातचीत करेंगे। लेकिन जना में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है? सॉरी जी, जना की अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की बात करें पहले, तो वह 12:30 बजे तक पूरा सब्सक्राइब हो चुका था 1.35 टाइम्स। ग्रे मार्केट में अभी जना को 55 रुपीज का जीएमपी मिल रहा है, उसका प्राइस बैंड है 414 रुपीज का। इसका मतलब ये है पर्सन के टर्म में जना फाइनेंस बैंक की 13.29% की प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहे हैं। चलिए, एक और पर्सनल फाइनेंस बैंक भी खुला हुआ है, उसके बारे में भी जरा सॉरी से समझ लेते हैं। सॉरी, वहाँ पर आंकड़े, वहाँ पर नंबर्स क्या कह रहे हैं, जना से बेहतर हैं, जना से खराब है? जी एक्चुअली जना से थोड़े पीछे हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसे 40 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जिसका मतलब 8.55% प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज 12:30 बजे तक 73% भरा था, यानी कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का थोड़ा कम है और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के लीडिंग प्लेयर्स में से एक है जिसके अक्रॉस द नेशन प्रेजेंस है, लेकिन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी कुछ ही क्षेत्रों में लिमिटेड है नॉर्थ इंडिया में। जी चलिए, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अरुण जी की राय लेते हैं। अरुण सर, क्या सलाह रहेगी आपकी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या कुछ आपको दिक्कतें दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से आपने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को चुना है? देखिए बिल्कुल, दोनों में दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर कंपैरिजन बेसिस पर मैंने जना को चुना है क्योंकि एक बड़ा लीडर है ओवरऑल इस स्पेस में और टॉप टू टॉप थ्री में इसको भी यूजुअली मान के चलता हूं, और जो आईपीओ की प्राइसिंग है वैल्यूएशन काफी अच्छे नजर आ रहा है। नो डाउट जीएमपी वो चीज नहीं दिखा रहा है, पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक काफी बेटरिंग रिटर्न दे सकता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे वाले में मुझे लग रहा है कंपैरिजन में करके जाना ज्यादा अच्छा कर सकता है। अगर 3 से 4 आईपीओ प्ले है तो मुझे लग रहा है पार्क होटल जना ये दोनों अच्छा करना चाहिए, और विकल्प के तौर पर मैं टॉप ये दोनों को ही टॉप 2 में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट रखूंगा। जी चलिए, अब बाकी जो आईपीओ खुले हुए हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं सॉरी से। सॉरी, क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर? जी, एक और जो आईपीओ खुला हुआ है उसका नाम है राशि पेरिफेरल्स, उसमें भी अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। एक्चुअली बाकी दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक से ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। इसमें 85 रुपीज का जीएमपी नजर आ रहा है 311 रुपीज के प्राइस पर, जो 27.33% का प्रीमियम दिखा रहा है। और अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज 12:30 बजे तक 2 गुना से ज्यादा ये कंपनी का आईपीओ भर चुका है। दो गुने से ज़्यादा जो है आईपीओ भर चुका है, अच्छे यहाँ पर आंकड़े नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अरुण सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो आनंद राठी रिसर्च कह रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट मार्ट का भी मानना है सब्सक्राइब करने की सलाह, चॉइस ब्रोकिंग सब्सक्राइब करने की सलाह दे रही है और स्टॉक बॉक्स भी
सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहा है। आप क्या सलाह दे रहे हैं सर राष्ट्रीय प्रेफरेंस पर? ये कंपनी भी अच्छी है, रिसेंटली हमने इसको स्टडी किया है, ओवरऑल कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, दो बड़े वर्टिकल्स में ये काम करती है और मुझे लग रहा है ये जो ओवरऑल कंपनी है आने वाले दिनों में इसका ग्रोथ अच्छा देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट बड़ा अच्छा है और टैपिंग ये कर सकते हैं। तो ये भी मेरा विकल्प रहेगा, अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए लिस्टिंग गेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर जहाँ तक ओवरऑल सभी कंपैरिजन में देखें तो मेरा पहला प्रीफर्ड पिक पार्क होटल्स रहेगा और सेकंड जनरल स्मॉल फाइनेंस बनाएगा, वहां पे करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर किसी के पास कैपिटल ज्यादा है और करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय प्रेफरेंस में भी करते हैं। चलिए तो ये राय निकल कर कराती हुई कि अगर इन ऑर्डर्स में अगर आपको निवेश करना है और आप एक ही में लगाना चाह रहे हैं तो वो ऑर्डर अरुण जी ने बता दिया है कि उनकी पहली प्रायोरिटी पार्क होटल है, दूसरी जना है और पैसे उसके बाद भी अगर आपके पास है तो राष्ट्रीय प्रेफरेंस में आप निवेश कर सकते हैं। अरुण सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह क्या आईपीओ है।